गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 2 न्याय मंत्री समझा था। शिशुपाल और सम्राट अशोक की कहानी थी। आज हम मुहावरे देखते हैं। फर्स्ट है सहम जाना। सहम जाना मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाना, जैसा सोचा नहीं था वैसा हो जाए तो आश्चर्यचकित हो जाता, ऐसा बोल सकते हैं। कलेजा धड़कना, कलेजा धड़कना मतलब कि चिंतित होना। कलेजा धड़कना मतलब कि चिंतित होना। धूम मच जाना मतलब कि प्रसिद्ध हो जाना। धूम मच जाना मतलब कि प्रसिद्ध हो जाना। रात दिन एक करना, रात दिन एक करना मतलब कि कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। होठ काटना मतलब कि आश्चर्य में पड़ना, होठ काटना मतलब आश्चर्य में पड़ना। सिर झुकाना मतलब कि लज्जित होना, शर्माना। सिर झुकाना मतलब कि लज्जित होना। गदगद हो जाना मतलब कि भाव विभोर हो जाना, गदगद हो जाना मतलब भाव विभोर हो जाना। आंखें खोल देना मीन्स के सही परिस्थिति समझाना, आंखें खोल देना मतलब कि सही परिस्थिति समझना। अब आते हैं स्वाध्याय में। स्वाध्याय में क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो इसका आंसर आएगा, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। जैसे कि शिशुपाल के घर में अतिथि आया था शाम के समय, वो वहाँ ठहरना चाहता था, इसे देखकर शिशुपाल ने घर का दरवाजा खोल दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे होता है? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है? यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है? यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो आंसर देखते हैं, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर पाए। फोर्थ है, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया?
तो आंसर होगा परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर विदा ली। परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल का धन्यवाद किया और अपना सामान लेके चला गया। फिफ्थ वाला देखते हैं। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुंद्रा क्यों दी? इसका आंसर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी, मतलब कि उसे न्याय मंत्री बना दिया, इसीलिए उसने वो जो राजमुद्रा थी उसको दी। नेक्स्ट है राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? राज्य के न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही, आंसर है शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा। सेवंथ है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो आंसर है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई। और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। एटवा अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो आंसर होगा अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, विस्तार से उत्तर दीजिए, मतलब कि बड़े क्वेश्चन आंसर, पांच छह वाक्य में आंसर लिखिए। तो पहला प्रश्न है सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो आंसर होगा अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। तलाश थी।
न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। घूमते घूमते वह शिशुपाल का घर था, वहाँ पहुँच गए। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं, यह दिखाने के लिए अवसर की तलाश थी। शिशुपाल को न्याय कैसे होता है वो दिखाने की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। मतलब कि वो राजा था, फिर भी उसको गिरफ्तार करने का हुकुम दिया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार थे। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया। और पहचान के लिए उसे राजमुद्रा दी। मतलब कि वो न्याय मंत्री थे, उसकी पहचान उसे मिले, इसलिए उसने अपनी राजमुद्रा न्याय मंत्री को दे दी, मतलब कि शिशुपाल को दे दी। तीसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? आंसर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। उसने देखा कि शिशुपाल है, उसकी न्याय की कसौटी उसने की, तो उसमें वो पास हो गया। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। सम्राट अशोक ने गुनाह किया था तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उन्होंने
अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की सजा दी। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, मतलब कि उसे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि वो अन्याय कर रहा है। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। उसने साहसपूर्ण और निष्पक्ष होकर जो फैसला किया, इसकी वजह से राजा सम्राट खुश हो गए। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। चौथा क्वेश्चन है, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? आंसर है, सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। सम्राट अशोक थे, उसने एक राजकर्मचारी को मार डाला था। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है। इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। फिफ्थ वाला, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो आंसर है, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की। परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने के लिए कहा। परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा
सकता। यह जिम्मेदारी उनके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन थ्री में है कि निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों। तो यह मेरा सौभाग्य है। तो आंसर होगा यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेशी युवक से कहता है। क्योंकि वह अतिथि का सहकार करना अपना कर्तव्य समझता है। सेकंड है दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन। इसका आंसर आएगा यह वाक्य परदेशी युवक मतलब कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहता है। सम्राट अशोक है वो ये वाक्य शिशुपाल को कहते हैं क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरा है ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है। क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। फोर्थ वाला है तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। इस वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं। जो न्याय मंत्री शिशुपाल थे वो राजा सम्राट को कहते हैं क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। फिफ्थ वाला महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है। क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है विरोधी शब्द दीजिए। पहला है परदेशी,
परदेशी का विरोधी शब्द होता है स्वदेशी। परदेशी का विरोधी होता है स्वदेशी। दूसरा शब्द है आदर। आदर का विरुद्धार्थी होता है अनादर। आदर का विरुद्धार्थी अनादर। तीसरा है अपराधी। तीसरा शब्द है अपराधी। उसका विरुद्धार्थी होता है निरपराधी। अपराधी का विरोधी शब्द होता है निरपराधी। फोर्थ है सुप्रबंध। फोर्थ है सुप्रबंध। उसका विरोधी होता है कुप्रबंध। सुप्रबंध का विरुद्धार्थी होता है कुप्रबंध। उसके बाद होता है गिरफ्तार। गिरफ्तार का होता है विरुद्धार्थी शब्द रिहा। गिरफ्तार का विरोधी शब्द होता है रिहा। गिरफ्तार मतलब पकड़ा दिया और रिहा मतलब छोड़ दिया। लास्ट है स्वीकार। स्वीकार का विरुद्धार्थी होता है अस्वीकार। स्वीकार का विरुद्धार्थी होता है अस्वीकार। अब है समानार्थी शब्द लिखिए। फर्स्ट है अतिथि। अतिथि का होता है मेहमान। अतिथि का समानार्थी शब्द होता है मेहमान। दूसरा है सुगम। सुगम का समानार्थी शब्द होता है सरल। सुगम शब्द का समानार्थी शब्द होता है सरल। तीसरा है कठिन। तो कठिन का होता है मुश्किल। कठिन शब्द का समानार्थी शब्द होता है मुश्किल। बाद में है हैरान। हैरान शब्द का समानार्थी शब्द होता है चकित। हैरान शब्द का समानार्थी शब्द होता है चकित। उसके बाद है निस्तब्धता। निस्तब्धता उसका समानार्थी शब्द होता है शांति। निस्तब्धता का समानार्थी शब्द होता है शांति। और लास्ट है निरुत्तर। निरुत्तर का समानार्थी शब्द होता है खामोश। निरुत्तर का समानार्थी शब्द होता है खामोश। अब क्वेश्चन सिक्स आया। क्वेश्चन सिक्स में सोचकर बताइए। सोचकर बताइए उसमें फर्स्ट है आप न्याय। अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते। अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते। तो मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया है। अगर मैं न्याय मंत्री होता तो मैं जो शिशुपाल ने किया वही करता। सेकंड है सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई। सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई। तो आंसर होगा सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि। सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। अब है शिशुपाल के साहस की। शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की। शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की। तो आंसर है शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई।
सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी हम निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसकी प्रशंसा की। अब है सेवंथ, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है, अब चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है जो सही है। जैसे कि पहला है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ इसलिए राजमुद्रा दी थी, नहीं। ब, आपके न्याय मंत्री होने की यह तनरुआ है, नहीं। क, यह मेरी ओर से पुरस्कार है, उसको इनाम दिया था, नहीं। ड, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है, तो ड आंसर है ड, कि यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। यह हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाए, बाद में ग्रुप में जो क्वेरी है, डाउट है, वो पूछ लेना मैसेज द्वारा। थैंक यू।